हाय माय लवली फूडीज, आज मैं आपको दुनिया के सबसे सॉफ्ट और टेस्टी इंस्टेंट अप्पम की रेसिपी बताऊंगी, जिसे बनाने में हमको बेसिकली सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो कि सबके घर में अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ खाने के लिए मैं आपको बताऊंगी मज़ेदार और सुपर डिलीशियस पीनट चटनी, तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन 100% अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर सॉफ्ट अप्पम बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी मज़ेदार चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया छोटा सा ब्लेंडर। इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफली, आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल, ये भुनी हुई चना दाल जो मिलती है ना मार्केट में वो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आपके पास घर की जो दाल होती है ना चना दाल, उसको आप थोड़ा सा भून भी सकते हैं तवे के ऊपर, वो भी मैंने डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से कोकोनट यानी कि नारियल के टुकड़े, थोड़े से मेरे पास घर में पड़े थे तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस, 2 से 3 हरी मिर्चें ऐसे टुकड़ों में या जितना आपको तीखा पसंद है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 कली लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का, और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये देखिए 1 से 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, सिर्फ बहुत अच्छा प्यारा सा एकदम ऑरेंज कलर आता है चटनी का, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन मैं इसको कलर के लिए डाल रही हूँ। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और 2 टेबलस्पून भर के दही, और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छी सी स्मूथ चटनी तैयार हो जाए। तो ये देखिए एकदम स्मूथ गाढ़ी चटनी रेडी हो गई। इसका कलर भी देखा आपने कितना प्यारा आया है, बिल्कुल ऐसे ही कलर मुझे चाहिए। तो बस ये चटनी तैयार हो गई है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। ये देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है क्योंकि हमने इसमें दही डाली थी। और अब हम इसका बनाएंगे तड़का। तो ये मज़ेदार तड़का जल्दी से तैयार हो जाता है, जिसके लिए तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून राई, और राई का फटने का वेट करेंगे। जैसे ही राई अच्छे से क्रैकल हो जाएगी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्चें, और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से करी पत्ता, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बस ये तड़का रेडी हो गया, इसको तुरंत डाल देंगे इस तैयार की हुई चटनी के ऊपर और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बढ़िया सी हमारे मज़ेदार क्विक चटनी तैयार हो गई है, और चलिए अब बनाते हैं हमारे अप्पम। तो नेक्स्ट अप्पम का बैटर बनाएंगे हम, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा वाला ब्लेंडर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के सूजी यानी कि रवा। यहाँ पे आप बड़ी या फिर छोटी या यानी कि बारीक या मोटी सूजी, कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी हम इसे पीसने ही वाले हैं। और आप जो भी मेजरमेंट लेंगे ना, यहाँ पे मैं 250 ml का कप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 200 या कोई भी एक फिक्स कटोरी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसी मेजरमेंट के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप पोहा। पोहा से इसको बहुत ही अच्छा टेक्स्चर मिलेगा इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शक्कर, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप उसी मेजरमेंट से 1/2 कप दही। तो ये बहुत पुरानी दही नहीं है, कल की बनी हुई दही है, वो मैं डाल रही हूँ। और इसी मेजरमेंट से इसी आधे वाले कप में मैं डाल रही हूँ पानी, ताकि इसमें अच्छे से इसमें पीसने में आसानी हो। तो इसी कप को मैं भर दूँगी पानी से, और ये इतना मैं 1/2 कप अभी के लिए डाल रही हूँ। और इस मिक्सचर को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखा आपने एकदम स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया, स्मूथ है और गाढ़ा भी है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, हमको ऐसे ही टेक्सचर का हमको बैटर चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ट्रांसफ़र करूँगी ना इस बोल में, ये देखिए मैं बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा, बहुत पोरिंग कंसिस्टेंसी है, मतलब एकदम गाढ़ी नहीं है, ये है थोड़ी सी पतली साइड में ही, लेकिन जैसे ही फ्लो इसका गिर रहा है ना, देखिए एकदम तुरंत गिर रहा है। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए अगर आपको चाहिए तो थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं।
तो बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि एक बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल है, हालांकि सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। लेकिन उसके पहले हम तैयार कर लेते हैं अपना पैन। तो यहाँ पे मैंने लिया ये छोटा सा नॉनस्टिक पैन, इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और फिर उसको थोड़ा सा रब कर लेंगे ऐसे कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लीजिए। तो ये हमारा पैन तैयार हो गया, इसको हम रेडी रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पर और इसको हम बनाएंगे बिना किसी ऑयल के। जी हाँ, इसको बिना हम ऑयल के ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे बैटर में मैं डाल रही हूँ अब एक टीस्पून भर के इनो, यानी कि फ्रूट सॉल्ट। तो मैं ये वाला इनो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी प्लेन वाला इनो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इनो फ्रेंड्स नहीं भी यूज़ करना है ना, तो आप इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको क्विकली मिक्स करेंगे, मतलब फटाफट इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो बैटर जो है ना फ्रॉथी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और इसी की वजह से हमारे अप्पम में ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के एकदम सॉफ्ट पोरस और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे होल्स आ जाएंगे, आपको देख के पता चलेगा आगे। तो जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है। और चलिए अब इसके अप्पम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन को आपको चाहिए तो फिर से पोंछ लीजिए और इसमें एक लैडल भर के, मतलब ये से बड़ा चम्मच भर के इसमें डालेंगे बैटर। तो इसमें एक बड़ा चम्मच भर के ये बैटर डाल दीजिए। ये देखिए कितना स्मूथली और इवनली खुद ही अपने आप से फैल रहा है। इतनी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, इतनी पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा भी हो और ये अपने आप स्मूथ हो जाए और ऐसा फैल जाए, आपको फैलाने की ज़रूरत ना पड़े डोसे जैसे। ये देखा आपने, आप इसको हम पकने देंगे लोएस्ट फ्लेम पर ही, थोड़ा सा लो मीडियम के बीच में आप रख सकते हैं। इसको पकने में ना करीबन 2.5 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो इसको जैसे जैसे ही पक रहा है ना, देखिए आप इसके होल्स जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, बीच बीच में इसमें होल्स आते जा रहे हैं। और बस इसकी यही खास बात है, इसी की वजह से अप्पम है ना सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बनते हैं। ये देखा आपने कैसे होल्स इसके बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर की जो सतह है ना वो ड्राई होती जा रही है। ये देखिए, ये देखिए बस अभी बीच में थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, थोड़ा सा जो गीला है, बस वो भी जैसे ही सूख जाएगा फिर हमारा अप्पम तैयार हो जाएगा। और ये खाने में फ्रेंड्स बहुत मज़े का लगता है। आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा कच्चा है ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसको पीछे से भी दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डोसे में आता है। आपको इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि ये ऊपर से पका नहीं है, लेकिन ये पूरा अच्छे से ड्राई हो गया ना, इसका मतलब ये पक गया है, ये आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो बस ये एक अप्पम रेडी हो गया, इसको निकाल देंगे और इसी तरह से सारे अप्पम्स तैयार कर लेंगे। तो फिर से पैन को थोड़ा सा पोंछ लीजिए और डाल देंगे एक लैडल फुल, मतलब ये एक चम्मच भर के बैटर। ये देखिए अपने आप ये फैल गया और इसमें होल्स आते जाएंगे और इसके ऊपर की सतह को ड्राई होने का वेट करेंगे। तो क्योंकि अप्पम को बनने में लग जाते हैं करीबन 3 मिनट, तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन भी रख दिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी दोनों पैन में अप्पम तैयार करती जाऊँ। देखा आपने, सारे अप्पम मैंने रेडी कर दिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहती हूँ। जब भी आप अप्पम निकालेंगे ना, तो एक प्लेट में दूर दूर निकालिएगा। शुरू में क्या हो जाएगा ना, अगर आप एक के ऊपर स्टैक करते जाएंगे ना, तो वो थोड़े से गीले हो जाएंगे, मतलब मॉइस्चर में थोड़े से गीले और गर्म रहते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। तो शुरू में जब आप निकालेंगे तो इसको ऐसे फैला के रख दीजिए प्लेट में, और बाद में आप प्लेटिंग के लिए उसके एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्लेट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया ये बढ़िया सी प्लेट, इसमें रख देंगे चटनी और इसमें मैं अब स्टैक कर दूंगी। अभी जब ये हल्के गर्म है तो इसके ऊपर अब स्टैक कर देंगे सारे अप्पम्स। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स, आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा। तो बस ये सुपर यम्मी अप्पम रेडी हो गए हैं, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। और ये चटनी के साथ ही बहुत मज़े के लगते हैं, इसके साथ आपको सांभर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको एक अप्पम दिखाती हूँ पास से। ये देखिए बहुत ज़्यादा पोरस है, परफेक्ट इवन कलर आया है। और ये देखिए जब मैं इसको दबा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम बिल्कुल हल्का, एकदम मुलायम कॉटन रहता है ना, बिल्कुल वैसा। और इसको बनाने के लिए हमको कोई भी ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगी। तो इसको बस आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट,
और इसको एंजॉय करेंगे इस चटनी के साथ। सुपर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। तो ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले एक और रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।